एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. डंप टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल. So anyone can give an example of dumb terminal and intelligent terminal? I have come across in the previous conversation. किसी को याद है? Anyone? Stock exchange terminal. हाँ. Stock exchange terminal. Stock exchange में दो तीन type के terminals है. कौन सा? So I gave an example in a stock exchange का जो bolt होता है, bolt मतलब उसका broker जो use करता है. तो आप उस office में जाओगे तो दो type के terminal मिलेंगे, एक dump और दूसरा intelligent. The one person who is operating for transactions to buy or sell the different companies stocks, वो कौन सा होगा, dump की intelligent? The person who is using for buying and selling the stocks. If it is dump, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा. देखो, dump terminal has no input. So, was this the TV showroom का example? TV showroom में yes. So in TV showroom, what happens? There are multiple TVs running with the various channels. If various channels are executing, matlab all are intelligent. Okay. But if the same channels are running in more than one television, that means wo dono mein se ek dump terminal ho gaya. Kyun? Because you can't operate. Actually, मुझे अभी I haven't seen across कि there must be some device आता होगा जो एक set of box से ऐसे TV के showroom में तीन चार you know system पे you can display. There must be ऐसा कुछ होता होगा. वो लोग हर TV के लिए थोड़ी set of box खरीदते होंगे. Quite obvious. So that may one is again intelligent, baki sare dump rahenge. But output kaisa aata hai sab jagah pe? That way. Channels to operate kiske through hota hai? The one is called aapka set-top box. So wo set-top box intelligent ho gaya, baki sare dump ho gaye. Aisa. To TV ka showroom mein agar maine 5 TV rakha aur 5 सेट टॉप बॉक्स का ऑल आर इंटेलिजेंट. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डंप एंड इंटेलिजेंट? तो डंप हैज नो इनपुट और प्रोसेसिंग. यू कांट डू एनी इंडिविजुअल एक्टिविटी इन द डंप. ऑन द अदर हैंड, इंटेलिजेंट में यू कैन डू इंडिविजुअली. I give one example. One day, one of my cousin came, extended cousin came to my office and he was looking at my setup. तो उसने बोला कि प्रज्ञेश, तू 20 display रखा है और 20 CPU रखा है. I said, हाँ. तो बोलता है, there is now IBM का server आता है, in which there is a one CPU, only one CPU, but very powerful. And costly, but आपका स्पेस कम जाएगा. क्यों? 5 CPU लेने की जरूरत नहीं. मतलब बाकी 5 में क्या रहेगा? मॉनिटर रहेगा, कीबोर्ड रहेगा एंड माउस रहेगा. There is no CPU. All can work individually. अपना अपना प्रोग्राम आप रन कर सकते हो. सब कुछ स्टोर किधर हो रहा है? एक ही सिस्टम में. ओके, सो कैन आई से ऑल आर इंटेलिजेंट? यस और नो?
यस सर बिकॉज बिकॉज सबको इनपुट मिल रहा है प्रोसेस भी मिल रहा है सो दैट ऑल आर इंटेलिजेंट इवन दो सीपीयू एक है लेकिन ऑल आर इंटेलिजेंट सब लोग प्रोसेस कर सकते हैं सब लोग इनपुट दे सकते हैं एग्जैक्टली स्टॉक एक्सचेंज में उससे उल्टा होता है एक सीपीयू एक कीबोर्ड एक माउस ओके एंड द वन पर्सन इज ओनली ऑपरेटिंग अच्छा देन सम ऑफ द ब्रोकर्स कंप्लेन कि हमको आपके स्टॉक्स नहीं देखने हैं हमको हमारी चॉइस के स्टॉक्स देखने हैं तो उसको कीबोर्ड एंड माउस दे दिया भाई तू स्क्रोल कर तेरे को रिलायंस का देखना है तो तू नीचे आर में जा मेरे को इंफोसिस का देखना है तो मैं ऊपर जाता हूँ एसीसी सीमेंट्स का देखना है तो मैं ऊपर स्क्रोल करके देखता हूँ तो उसको उतना पावर दे दिया बट ही और सी कैन नॉट परचेज प्रोसेस नहीं कर सकते दैट्स कॉल्ड डंप ओके तो ये सारा स्टोरी हो गया इसमें से कुछ भी आप एग्जाम्स में नहीं लिख सकते द मोमेंट डंप टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल कम्स यू शुड रिमेंबर दैट एग्जाम्पल और अभी हम लोग पढ़ते हैं जरा डंप टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर ऑन विच स्मॉल प्रोग्राम्स कैन रन एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी छोटा छोटा कोई प्रोग्राम रन कर सकते हैं लाइक कैलकुलेटर एंड सो ऑन ब्राउजर जैसा लेकिन नॉट द बिगर वन प्रोग्राम्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली इनपुट एंड आउटपुट शायद माउस कीबोर्ड दे दिया स्क्रोल करो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अंडरलाइन करके रख देना जो मैं अभी देख रहा हूं हाईलाइटेड कैन नॉट प्रोसेस उसको परचेस करना है तो कर नहीं सकता नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंट इज अ पावरफुल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देन द डंप टर्मिनल इट इज ऑल्सो मोर अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड इट कैन कैरी सम प्रोसेस ऑन इनपुट कैरेक्टर्स ऑल्सो इट कैन प्रोसेस प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंटली ऑल राइट सो नाउ वॉट इज द यूज ऑफ वीडियो रैम एक्सप्लेन द बाइट एंड एट्रीब्यूट बाइट डेटा बाइट्स एंड एट्रीब्यूट्स बाइट्स बहुत बार पूछा है ये भी लेट्स अंडरस्टैंड सो वीडियो रैम इज बेसिकली The memory that terminal hardware itself has, terminal hardware के पास जो memory है उसको ये लोग बोलते हैं video RAM. Anytime, all the characters stored in video RAM are on the screen by video controller using display electronics. थोड़ा बहुत television का background है ये. All the particular informations that's called attributes are stored in video RAM. Video RAM consists of 2000 data bytes, that's called 0 to 1999, preceded by 2000 corresponding attributes. तो उसका कुछ situation ऐसा होगा, देखो, attribute byte number 0, data byte number 0, 1, 1, and so on, 1999 and 1999 for data bytes. आप लोग C++ का वो ब्लू स्क्रीन देखते हो ना इफ यू रिमेंबर उसमें मैं मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स टाइप कर सकता हूं द मोमेंट यू टाइप 81 या तो वो स्क्रोल हो जाएगा अंदर की तरफ टुवर्ड्स राइट साइड या तो आपको नीचे लेना है एंड मैक्सिमम 25 रोज देख सकता हूं तो ये देखो टिपिकल अल्फा न्यूमेरिक स्क्रीन कैन डिस्प्ले मैक्सिमम 25 लाइंस And 80 characters. देखो टोटल हो गया 2000, 0 to 1999. Can I say that? Right? And what is data byte and attribute byte? The all 200 characters stored in the video RAM to display any specific character on the screen at a specific position. All ASCII or EBC DIC code for that character is To move in the video RAM. ये भी एक टाइप का कोड है आपको ASCII पता है क्या Anyone ASCII पता है Anyone of you know ASCII? अच्छा नहीं पता आप लोग को बिकॉज आपके अक्रॉस में आया नहीं है कभी
हाँ बोलो। नहीं सर, सिखाया था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है ना, तो वैसा ये एक और सिस्टम है EBCDIC, तो उसका जरा फुल फॉर्म चेक कर लेते हैं। देखो एट बीट एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और ये रहा एक्सटेंडेड बाइनरी EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। टू मिनट्स, जस्ट टू मिनट्स, आई बी बैक ऑन द स्क्रीन। खाली एक फॉर्म, फुल फॉर्म लिख देना। यस, सो बेसिकली अभी जब भी हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, दिस इज काइंड ऑफ द कोड, और यू कैन से फंडामेंटल्स विच इज आई रिक्वायर्ड एज एंड व्हेन आई एम डीलिंग विद डेटा बाइट्स और एट्रीब्यूट बाइट्स। एन एट्रीब्यूट बाइट क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये बोल रहा है ऊपर वाला डेटा बाइट्स इज स्टोर्ड इन वीडियो रैम, सो देर इज वन एट्रीब्यूट बाइट फॉर ईच डेटा बाइट। हर एक डेटा बाइट के लिए एक एट्रीब्यूट बाइट होता है, एंड दिस बाइट टेल्स द वीडियो कंट्रोलर हाउ द कैरेक्टर इज टू बी डिस्प्लेड, कैसा दिखना चाहिए ये एट्रीब्यूट बाइट डिसाइड कर रहा है। इट सिग्निफाइज वेदर द करस्पॉन्डिंग डेटा कैरेक्टर विच इज स्टोर्ड इन द नेक्स्ट टू इट इन द वीडियो रैम इज डिस्प्लेड बोल्ड, अंडरलाइन, ब्लिंकिंग, रिवर्स एटसेट्रा। ये सब हमने देखा है कि बोल्ड कैसा होता है, अंडरलाइन कैसा होता है। ओके, एनीथिंग यहां पे एनीवन वांट्स टू आस्क? लुक एट द डायग्राम, राइट? ये डायग्राम जैसा कुछ है ही नहीं, आई डोंट नो क्या ड्रॉ किया यहाँ पे, सो वी विल नॉट कंसिडर दिस एज अ डायग्राम, बट स्टिल वी विल ड्रॉ द डायग्राम, है ना? एग्जामिनेशन में एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि भाई क्या होता है एट्रीब्यूट बाइट एंड डेटा बाइट्स। तो इतने बड़े बड़े कॉलम्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कॉलम ड्रॉ किया, दैट्स इट। टोटल 6 कॉलम्स ड्रॉ किया है, 2 प्लस 2 प्लस 2, फर्स्ट टू इज 0, सेकेंड टू इज 1, एंड नेक्स्ट टू इज डॉट 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 करके सीधा लास्ट। एट्रीब्यूट डेटा बाइट्स, एट्रीब्यूट बाइट डेटा बाइट्स, ऐसा करके एक ड्रॉ कर लेंगे टेबल, जहां पे आपको एक आइडिया आ जाएगा भी दिस इज व्हाट इज अवेलेबल अंडर वीडियो रैम एज वेल एज डेटा बाइट्स एंड एट्रीब्यूट रैम। 24 25 बाय 80, ये एक याद रखना है आपको, 25 बाय 80। व्हाई डोंट यू राइट इट डाउन जस्ट ऑन अ वन, यू नो, कहीं पे या अंडरलाइन कर लो, दिस आर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना? दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, टाइप ऑफ द मेमोरी मैप्ड इन द इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स। टाइप्स ऑफ मेमोरी मैप्ड इन इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स आर टू, अल्फा न्यूमेरिक एंड ग्राफिक्स। क्या है अल्फा न्यूमेरिक? कैरेक्टर ओरिएंटेड। रिफर चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 110, 1 to 10। क्या है ये? चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 23, उसके ऊपर वाला तो था 23 नंबर, और पेज नंबर 1 to 10, 1.10 है कि 1 to 10 है, क्या है?
जरा स्क्रॉल करना आप लोग, चेक करो, मेरे पास बुक नहीं है, प्लीज चेक करो। हाँ 1.10 मतलब उसके पहले वाला पेज।25 मल्टीप्लाइड बाय 80 के बीच में वो स्क्वायर क्या है? वो है इस गलत गलत है वो, उन प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला ये लोग का प्रिंटिंग में से कुछ भी लिख देते कोई भी पेज पे ऐसा। हाँ ऊपर है कुछ 1.10 ये वाला, 1.9 वाला देखते हैं। डिवाइस ड्राइवर है, कौन सा क्वेश्चन है, 18 नंबर। ब्लॉक ऑफ द डेटा है और उधर कौन सा क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ मेमोरी मैप, अल्फा न्यूमेरिक, रिफर चैप्टर नंबर। क्या समझा इसे एनीवन, जो मुझे नहीं समझा आपको समझा, कैन यू प्लीज शेयर व्हाट इज दिस, प्लीज रिफर कहाँ है वो। एंड ग्राफिक्स बिट ओरिएंटेड, फॉर द बिट ओरिएंटेड कलर ग्राफिक्स टर्मिनल रिक्वायर्स 24 और 32 फॉर ईच बाइट और बिट। 24 कैसे और 32 कैसे, 4 बाइट इज इक्वल टू 32 बिट्स, 4 8 जा एंड 3 बाइट्स इज 24, ऐसा। This increases the video RAM capacity requirement. Anyone, किसी को कुछ समझा ये, प्लीज रिफर चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 23, पेज 1 to 10, ऐसा कुछ अल्फा न्यूमेरिक क्या, किधर है उसका आंसर। अल्फा न्यूमेरिक एंड ग्राफिक्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी मैप्ड, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, ये रहा अल्फा न्यूमेरिक, हेलो ये रहा। ओके ये बराबर है अल्फा न्यूमेरिक, उसके लिए उन्होंने लिखा था। ठीक है ऑल राइट, एनी डाउट, शुड आई वर्क ऑन दैट, किसी को कुछ डाउट। ऑल राइट, so why keyboard is referred as a memory map terminal, explain the multiple memory locations involved in input and output operations between the keyboard and the screen, between the keyboard and screen. Okay so terminals have a video RAM generally with 2000 data bytes preceded by 2000 corresponding attribute bytes. Anytime all the 2000 characters, that is 25 by 80, stored in the video RAM are displayed on the screen by video controller. ठीक है, the video RAM is treated as a part of the main memory only. Therefore, for the moving any data in or out of the video RAM, ordinary load or store the instructions are sufficient. So, the keyboard is referred as a memory map terminal. The following multiple memory locations are involved in the input or output operations between the keyboard and screen. So small memory within the keyboard itself, when a character is key in, type kiya to 8 bit ASCII EBCDIC code is generated which are stored in the temporary in the memory of the terminal itself. Hello, maine small a type kiya,
उसका ASCII नंबर अलग, कैपिटल ए टाइप किया, उसका ASCII नंबर अलग. एंड दे आर सेइंग दैट इट्स स्टोर्ड टेम्पररी इन द टर्मिनल इटसेल्फ, टेम्पररी. एंड द वीडियो रैम दैट इज द डेटा एंड द एट्रीब्यूट बाइट्स, जो हमने ऊपर देखा ASCII और EBCDIC कोड, 8-bit कोड ऐसा है ना, डेटा इंटरचेंज. फॉर द कैरेक्टर इज टू मूव टू द वीडियो रैम एट करस्पॉन्डिंग पोजिशन विद द अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट्स. द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज वन बफर फॉर ईच टर्मिनल एंड टू सेपरेट बफर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन. द इनपुट आउटपुट एरिया ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम when the user finish keying in the data stored in the operating system buffer for the terminal is flushed out to the input output area of application program which wants that data. What is application program, everyone? It can be MS Office, it can be C++, it can be Tally, it can be your Internet Explorer, it can be your Chrome. Sub application program hai, everyone. So just to revise again, is it done? Haan. So just to revise again, ek bar zara check karte hai. Thoda bada tha wo. So that's fine. More points have been given. You have to remember less. Humko choice mil raha hai. Why keyboard is referred as a memory map terminal? Explain the multiple memory locations involved in the input output. Kidhar kidhar memory involved hai? To humne dekha video mein involved hai temporary, right? And operations between keyboard and screen. To pehla likha hai terminals have the video RAM. कितनी कैपेसिटी का 2000, हाउ इट इज स्टोर्ड इज 25x80 डिस्प्ले होता है. वीडियो रैम इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट. एंड देयरफॉर द मूविंग एनी डेटा इन और आउट ऑफ द वीडियो रैम, ऑर्डिनरी लोड और स्टोर द इंस्ट्रक्शंस आर सफिशिएंट. हियर कीबोर्ड इज रिफर्ड एज अ मेमोरी मैप टर्मिनल. आपको समझा, मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप करूंगा तो वो मेरी वीडियो मेमोरी में कुछ टाइम तक स्टोर हो जाएगा. बैकग्राउंड में हो रहा है, फोरग्राउंड में हमको दिखता है कि भी डिस्प्ले हो गया, मैंने कुछ लिखा, आई हैव रिटर्न समथिंग, ओके. एंड देन मैंने लिखा यहां पे लेक्चर टू, तो आपको वो इतना फास्ट दिख रहा है और सारी चीजें वीडियो मेमोरी में टेम्पररी स्टोर हो रही है. दैट इज व्हाट दे वांट्स टू से. सो दैट इज. एंड यहां पे फॉलोइंग मल्टीपल, ये रहा दिया है ना, एक्सप्लेन द मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस इन्वॉल्व, तो ये रहा मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस इन्वॉल्व, कहां कहां स्टोर्ड है वो उन्होंने स्पेसिफाई किया. एक तो मेमोरी विद इन द कीबोर्ड, देन द वीडियो रैम में, देन ऑपरेटिंग सिस्टम के बफर में, एंड देन इनपुट आउटपुट एरिया में. ओके, सो लेट्स चेक. द नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रोसेस मैनेजमेंट. So I invite anyone you to generate. Who will generate this? Someone will read and generate both. 30, page number 12 hai, total hai 25 hai. Bolo, who will generate now? Or should I give a sign to a specific? Let's hear from Disha. Disha, can you generate ki background mein kuch awaaz hai?
डू यू हैव अ टेक्स्ट बुक और मेरा स्क्रीन से भी आप देख सकते हो या व्हाट इज अ प्रोसेस A process is defined as a program under execution which competes for CPU time and other resources. In simple terms, a program does not compete for computing resources such as CPU, time, or memory, whereas a process does. A program may be present on a paper or reside on disk. It may be compiled or tested. But it still does not compete for computing resources. Once a user wants to execute a program, it is located on the disk and loaded in the main memory at that time. It becomes a process because it then competes for CPU time and other resources. Good. Everyone, may control, alter, delete dabao. तो अभी आप लोग को जो डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा कैन यू सी माय स्क्रीन. आप लोग को अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? हेलो टास्क मैनेजर को मैंने क्लिक किया, आपको मेरा स्क्रीन दिखा वो? मल्टीपल चॉइस आया था मुझे. इन दैट आई पिक्ड अप टास्क मैनेजर एंड इट विल पॉप अप राइट नाउ ऑल द टास्क रनिंग. ईच टास्क इज नथिंग बट अ वन प्रोसेस. ये देखो आ रहा है, इट इज टेकिंग टाइम. It's a heavy again, okay? थोड़ा टाइम लगता है वो टास्क मैनेजर का. तो एक क्या क्या टास्क चल रहा है, कैन यू सी दैट? द वन इज गोइंग ऑन इज हमारा गूगल का मीट चल रहा है. ये देखो अक्रोबेट रीडर चल रहा है. अच्छा ऊपर टाइटल देखो एवरीवन, कैन यू सी नाउ स्क्रीन? Yes, sir. है ना, तो ये 7 एप्स चल रहा है राइट नाउ. नाउ दिस इज फोरग्राउंड में चल रहा है. ये टास्क मैनेजर इटसेल्फ इज अ वन प्रोसेस. व्हाट्सएप चल रहा है, मैंने आप लोग को लिंक उसके थ्रू भेजा. विंडोज एक्सप्लोरर जहां पे जाके मैंने मेरी फाइल को ओपन किया, एवरीथिंग इज रनिंग हियर. ये बैकग्राउंड में चल रहा है. हेलो, ये बैकग्राउंड में चल रहा है. और कभी कभी आपको और मुझे पता नहीं होता, यू नो हमारे मोबाइल में भी ऐसा होता है, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता रहता है तो फिर वो स्लो कर देता है. सो वी शुड हैव टू चेक. ये देखो कास्पर स्काई का एंटीवायरस बैकग्राउंड में चल रहा है और वो कंज्यूम कर रहा है सीपीयू की मेमोरी को और बाकी सारा कोई नहीं कर रहा है. यू नो मेरे को जब भी कुछ अर्जेंट काम करना होता है बीच में एंटीवायरस आता है, मैं उसको बंद कर देता हूं. Because in unnecessary वो consume कर रहा है. And I am damn sure कि मेरे को कोई pen drive तो insert करना नहीं है, तो antivirus बाद में चलने दो. That way. So ये देखो. This is also consuming SQL server, Windows NT कुछ चला रहा है वो. ये देखो Skype चला रहा है कुछ. ये गलत है. Skype को यहाँ मेरे को use करके 6 महीना हो गया. और वो मैंने इसमें रखा है. किसमें? स्टार्टअप की ट्रे में रखा हुआ है, तो उसको उधर से निकाल देना चाहिए. सो दैट इट विल टेक लेस टाइम टू कंप्यूटर टू स्टार्ट ऑन. ये कहीं पे मैंने सेटिंग्स में दिया रहेगा. आई डोंट वांट टू डू राइट नाउ टू वेस्ट योर टाइम, बट माय कंसर्न इज दैट दिस आर द थिंग्स विच वी आर नॉट लुकिंग एट, इवन अवर मोबाइल एंड इवन इवन अपना लैपटॉप. सो बाय द वे ईच इज नथिंग बट अ प्रोसेस. I hope this is clear. तो process ये है, okay? So process is not a program, right? But program itself जो अभी आप open करते हो तो एक program becomes a process. Hello?
when I open Turbo C++, it's not process. Actually, it's a program. But it becomes a process as soon as you start C++. Hena? So this is what the process is. All right. So ये नहीं पूछा है, करना नहीं है, बट यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कुछ नहीं पूछा है, यहाँ लिखा है, इतनी बार पूछा है, तो बेसिकली वो मल्टीपल टाइम्स उन्होंने दिया करके एक जगह पे उन्होंने लिख दिया बोर्ड में पूछा है करके. सो लेट्स डू दैट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. सो ऋतुजा, कैन यू जनरेट दिस और यू हैव अ बैकग्राउंड मेनी वॉइस? यस सर, आई कैन. या गुड. Explain context switching at a process level in multi-programming system with example. First, multi-programming is the concept of increasing utilization of CPU by always having something for CPU to execute. Hold on. So, what is the intention? आपको intentions दिखाई दिया क्या इधर? Multi-programming क्यों करने का? तो लास्ट में लिखा है ऑलवेज हैविंग समथिंग फॉर सीपीयू टू एग्जीक्यूट. ओके, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, कितना स्टाफ है, राइट? सब ऐसे ही बैठे रहेंगे. सो देयर मस्ट बी समथिंग टू कीप एंगेज. तो आप इसमें चले जाओ शॉपिंग मॉल के अंदर, वो जो बिग बाजार होता है, या तो आप रिलायंस में चले जाओ, उसका जो यूटिलिटी वगैरह रहता है, जहां पे कितना रखा हुआ है शॉप्स एंड वेफर्स एंड बिस्किट्स एंड दिस सेक्शन, क्रॉकरी सेक्शन कितना है एंड पर्सन कितने सारे हैं. बट एज अ मैनेजर, इफ आई वॉन्ट टू एंगेज एवरी वन, आई विल ऑलवेज कीप देम एंगेज. कि कुछ भी डस्टिंग करो, क्लीन करो, उठाओ, रखो, यू नो दैट वे. आप अनुपम स्टोर में चले जाओ, पीपल आर अवेलेबल फॉर यू. हाँ, क्या चाहिए, यू नो? एंड देन वो लोग जब भी फ्री रहते हैं और कोई कस्टमर नहीं रहता है, तो उनको मैनेजर आके बोलेगा, एक काम करो, ये इतना निकालो, साफ करो, वापिस रखो. वाई? बिकॉज वेन द कस्टमर कम्स देर इज नो डस्टिंग. एंड आपने देखा है कभी हमारे घर के नाके में जाते हैं हम लोग कुछ लेने के लिए, तो उसके ऊपर डस्ट लगा रहता है, तो सामने वाला देता है, तो आप बोलते हो नहीं 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 चाहिए, तो फिर वो बोलता है नहीं नहीं नया ही डस्ट लगाया आपके सामने, वो साफ करके देना चालू करता है. दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज एवरीवन. सो व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग? सेज दैट इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ योर सीपीयू. आपके पास पावरफुल सीपीयू है लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हो, आपके पास स्टाफ है लेकिन ऐसा ही बैठा है, और एट द सेम टाइम कस्टमर को वो धूल मिट्टी वाला कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट? वो जो गली के नाके में, वो पर्सन गलत नहीं है, उसके पास स्टाफ नहीं है, इसके लिए वो साफ नहीं करता, सिंपल है. और शॉपिंग मॉल में बहुत सारा स्टाफ रखा है, तो वो लोग बेटर दे रहे हैं. सो जस्ट my point is to keep you engaged, that is called intention. ye hai. Okay, go ahead. In multi-programming, CPU can execute two or more processes simultaneously. When process one waits for an external event such as input-output operation, CPU executes process two and vice versa. Hold on. तो यही है प्रोसेस. देखो, एक साथ टू क्या सेवन प्रोसेस चल ही रहा है ना? एंड देन इसमें मैं कुछ काम दे रहा हूं और वो उसका वेट कर रहा है. जैसे मैंने यहां पे इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके प्रिंट करने के लिए रखा, तो इट विल टेक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिनट, वाइस वर्सा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. तब तक सीपीयू क्या करेगा, ये सब में स्विच हो जाएगा. ये देखो, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे. Can you see CPU का प्लस माइनस चल रहा है? That is what the meaning of context switching. Okay, go ahead. When CPU switches from one process to another, the time required for switching is called as context switching. समझा क्या? दोनों के बीच का जो टाइम है ना, प्रोसेस वन से प्रोसेस टू जाने का, उसको context switching बोलते हैं, दोनों के बीच का गैप. गुड.
Okay, go ahead. Let A and B be two processes ready for execution and require CPU time for execution. Let CPU time be given to process A, which is having some instructions depending on process B or on some external event such as an input-output operation. Then it is the job of operating system to halt the execution of process A and give CPU time for process B. The lose in time in returning the attention of CPU from process A to process B is known as context switching. Perfect. During context switching, the CPU, the status of CPU registers and flags of the old process are stored in memory. Okay. For example, रुक जाना हाँ a dot cpp लिखा है hashtag include iostream लिखा hashtag include b dot h. Now what is b dot h? मेरा एक फाइल है जिसके अंदर मैंने जो भी लिखा है लिखा है. क्या लिखा है b dot h में? वो उन्होंने नीचे mention किया है. Can you please look at b dot h में hashtag include iostream dot h और add करके function लिखा है. Just for your curiosity, I can say that जैसे b.cpp save करते हो, मैं b.h भी बना सकता हूँ. उसका फायदा क्या? दूसरी फाइल में जाके मैं उसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ. ये देखो, add a, b किया, यहाँ आएगा a is 10, b is 20, 10 plus 20, 30, c out में 30 आंसर आ जाएगा. तो ये क्या बोल रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. इसका मतलब देखा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या हुआ? यहां से इधर आया, यहां से इधर आने वाले टाइम को क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. एंड इट्स नॉट दैट कि यहां से इधर जंप किया. हेलो, इट विल टेक अ टाइम टू स्विच फ्रॉम द वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. व्हाट एवर द टाइम, मे बी मिली सेकेंड्स, मे बी नैनो सेकेंड्स, बट लगता है. एंड दैट्स कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. एवरी वन क्लियर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? एंड यहां पे कुछ और एक्सप्लेन किया है. लेट ए एंड बी आर द टू प्रोसेसेस वेयर ए एंड बी आर, ए इज डिपेंडेंट ऑन बी, ऑफ कोर्स ए इज डिपेंडेंट ऑन बी. व्हेन द ए इज एग्जीक्यूटेड, सीपीयू कम्स एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वन बाय वन. व्हेन इट कम्स फॉर द इंस्ट्रक्शन सी आउट एड ए कॉमा बी, इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ए एंड जंप्स टू द बी. दस देयर इज अ नीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस बी. सो CPU stores the content of registers and flags of the process A in RSA, register save area. It then load process B. The time required for this is termed as a context switching. है ना? तो ये context switching है. Context switching बहुत easily ये diagram से समझ में आता है everyone. है ना? तो ये आप कॉपी कर लो, ड्रॉ करो राइट नाउ. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? रन प्रोसेस वन, रन प्रोसेस टू, दोनों के बीच का टाइम, उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलेंगे. दो बार ड्रॉ नहीं करोगे, एक बार भी ड्रॉ करोगे, एब्सोल्युटली फाइन. एवरीवन, लेट्स ड्रॉ इट. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग.
चलो डन। यस सर। ओके ओके सो एक्सप्लेन रनिंग रेडी ब्लॉक्ड प्रोसेस स्टेट्स इन द प्रोसेस मैनेजमेंट or discuss the various process states with example. So here is the process ko different stage mein divide kiya aur usko hum log understand karte hain. So let's do that. Who will do that? Vruti ya Anushka? हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस है। एक सेकंड। ठीक है अनुष्का, कैन यू? यस सर। Am I audible? Yes. Perfect. Okay. In order to manage switching between processes, the operating system defines three basic process states, which are as given below. Running state. There is only one process which is executed by the CPU at any given moment. This process is called as running process. In multiprocessor systems with multiple CPUs, there are many running processes at a given moment. The operating system keeps track of all of them. एक मिनट, hold on. So two things they have discussed here. The one is called at a time only one process executes. But then they said that at the same time कि do we have multiple CPU? Then of course then multiple process run होगा. And then how will the operating system will manage? तो बोलता है कि it will keep the track. So running state is nothing but the one process which is executed by CPU at any given moment. एक moment लिया तो acrobat reader का कुछ भी use नहीं हो रहा था. एक moment देखो blank है वो. एक moment देखो Google Chrome use हो रहा है. एक moment देखो notepad कुछ भी use नहीं हो रहा है. एक moment देखो OBS use हो रहा है. एक moment देखो 1.1 से change हो रहा है. That means एक मोमेंट के लिए वो इधर से उधर स्विच भी कर रहा है. यू कैन सी दैट, नोटिस दैट कि वो स्टेडी है. अभी देखो Adobe Acrobat Reader स्टेडी है, राइट? सो दैट मीन्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन प्रोसेस इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू एंड दैट इज कॉल्ड रनिंग स्टेट. परफेक्ट, गो अहेड. रेडी स्टेट. The process which is not waiting for an external event such as an input or output operation but which is not running is said to be in ready state. Actually, a process in ready state could have been running, but the fact that there is only one CPU which is executing some other process while this process is waiting for the CPU's attention towards it. Okay, hold on. What do you mean by ready state? Koi batayega mujhe? जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो या नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है वो? यस, अभी ऊपर देखा हमने जो रन हो रहा है उसको वो लोग क्या बोल रहे हैं? रनिंग. और नेक्स्ट जो रन होगा दैट्स कॉल्ड रेडी.
And I usually give the best example, if you can understand, relay running, you know, relay running, wo four participants, the one has to connect the other one, hai na? So can you just think that the first participant has completed or about to complete, wo second participant ka kya position hai? Is exactly ready state. Abhi he is ready with the position, but usko wo object chahiye jo first person ke paas hai. Jabhi wo object milega uske baad hi wo run kar sakta hai. Abhi us context ko leke wapis yahan main read karta hu, zara dekhna. The process which is not waiting but which is not running is said to be in ready stage. Process is ready, could have been running, but that is the fact that is only one CPU hai. Rule bolta hai ki jab tak object haath mein nahi aaya you cannot run or you will be a fault, in fault, and you will be out of the competition. Pehle se hi daudna chalu kar dega to nahi chalega. So that is what the ready stage. Matlab main ek aur example de sakta hu udhar hi. The 100 meters ka running race, all the athletes have taken the position down and then aisa shoes niche rakke, hand niche rakke and samne dekke, and what is that position? Unko ek hi awaaz sunna hai, that's fire ka. The moment gun hit kiya, they will start running. But are they running? No. Are they waiting? I mean, no. It's not waiting mode. Waiting mode kisko bolte hain? Aapke ghar ke niche ola aake khada hai, aapko phone kar raha hai, main aa gaya. But still, you haven't reached. Wait kar raha hai wo. To wo ready kya ho gaya? Ki is ready about to start. Just about to start. उसके पहले जो वार्म अप एक्सरसाइज कर रहा है, इट्स नॉट रेडी स्टेट, अबाउट टू स्टार्ट, जस्ट हिट किया एंड देन स्टार्टेड, दैट्स कॉल्ड रेडी. सो वन इज कॉल्ड रनिंग, अनदर इज कॉल्ड रेडी. ओके, गो अहेड नेक्स्ट अनुष्का. ब्लॉक स्टेट, व्हेन अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन एक्सटर्नल इवेंट सच एज एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, द प्रोसेस इज सेट टू बी इन ब्लॉक स्टेट. The major difference between blocked and ready process is that a blocked process cannot be directly scheduled even if CPU is free, whereas a ready process can be scheduled if the CPU is free. Chalo, isme kisi ko doubt puchna hai mujhe, blocked state kya ho gaya? Wapis relay ka example bolu, that the person who is waiting for getting the object, wo is a ready state. लेकिन वो सेकेंड नंबर का एथलेटिक है, थर्ड नंबर वाला क्या कर रहा है? वो तो ब्लॉक्ड है, वो वेट कर रहा है. इवन दो वो फ्री है, इवन दो सीपीयू फ्री है, वो थर्ड वाला कुछ भी नहीं कर सकता अंटिल सेकेंड रीचेस टू द थर्ड पर्सन. सो दैट्स कॉल्ड ब्लॉक. Even though my CPU is free, blocked state का कुछ भी नहीं हो सकता, ready state का हो सकता है. Everyone, with me, any doubt you can ask me. Process scheduling में कुछ नहीं है, पूछा ही नहीं है. We will go further. Thank you all, Anushka, Disha and Rutuja. Now let me create wapis. Explain the following terms in the case of process scheduling. Hum log ek dusre se switching kar rahe hain. Dekha apne. So usse bhi thoda interesting banta hai. Everyone ka voice is different, accent is different. Thoda change ho jata hai. Varna boring sa ho jata hai theory. News reader ban jata hai sab log. So it should not happen that. To avoid that, मैं ये create कर रहा हूँ for you people. That is only the intention, everyone. So let me go ahead with explain the following terms in the case of
process scheduling, turn around time, waiting time, terminal response time, event response time. चलो turn around time क्या है? Turn around time is the elapsed time between the time a program or a job is submitted and the time when it is completed. Turn around time. Courier वाले के पास मैं गया, I gave the courier or I gave the parcel, okay, and parcel reaches to your house is called turn around time. आज वेनसडे मॉर्निंग आई सबमिटेड, थर्सडे आफ्टरनून आपको डिलीवर मिला, दैट्स कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम. एवरीवन, वेटिंग टाइम, यू नो दिस वेटिंग टाइम इज वेरी कॉमन. आई मीन ट्रेन डिडंट टर्न अप एट द प्लेटफॉर्म एंड यू आर वेटिंग. द वेटिंग टाइम इज द टाइम जॉब स्पेंड्स वेटिंग इन द क्यू of newly admitted process for the operating system to allocate the resource to it before commencing its execution. मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अभी आपके सामने मैंने WPS ओपन किया, ओके, तो उसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं किया. ये जो देखो, ये जो आपका सर्कल आ रहा है, that's called waiting time. इतना टाइम जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का गया हो, दैट्स को अभी भी देखो वेटिंग है, राउंड आ रहा है. आई एम नॉट अलाउड टू प्रोसेस, अभी मैं कर सकता हूं, इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता हूं. इतना जो टाइम लगा, दैट्स कॉल्ड वेटिंग टाइम. टर्मिनल रिस्पॉन्स टाइम इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम, टर्मिनल रिस्पॉन्स टाइम इज द टाइम टू रिस्पॉन्ड विद द आंसर और द रिजल्ट टू अ क्वेश्चन. And it depends on degree of multi-programming. The efficiency of hardware with operating system and the policy of operating system to allocate the resources. Terminal response time is the time in the time sharing system. Terminal response is the time to respond with the answer. हम लोग गूगल करते हैं, राइट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आ गया, लेकिन वो भी रिस्पॉन्स टाइम है. अभी मैं आपके सामने सर्च करता हूं, मैंने सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन किया, अभी ओपन होगा. ये तो फीडबैक का आ गया भाई. वो एक्रोबेट रीडर था, इसके लिए वो फीडबैक का आ गया. आई एम एक्सपेक्टिंग कि सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. वेट फॉर अ सेकेंड. नहीं आया. Anywhere I can search it, right? तो मैं समझो ये ओपन करता हूं, तो इधर मुझे राइट साइड में सर्च मिलेगा, ये रहा सर्च नोट. तो मैं यहाँ पे लेट्स से इन माय ई ड्राइव आई सर्च फॉर वन डॉक्यूमेंट एंड लेट्स से आई एम सर्चिंग फॉर 12th CS. ऐसा करके सर्च करना, ये देखो This is working on it. And ये जो time लगा उसको और सामने आया, this is called terminal response time. Many of the time, do you know, कुछ भी नहीं आता and it takes time, right? That's called terminal time, terminal response time. So the time sharing system में terminal response time is the time to respond with an answer. या तो आपको yes बोलेगा या तो no बोलेगा.
That's called terminal response time and event response time. In the real-time system, the event response time is the time to respond with the specific event. मैंने कोई event किया, जैसे एक event है antivirus को upgrade करना, is an event. तो that event को करने के लिए event response time is the time to respond it. कितना time लगा? That's called event response time. Everyone, check करो, एक बार read करो quickly मेरे सामने. If you have any doubt, you can ask me right now. We have a lecture till 10:30. Chalo. So if you have doubt, you can ask me. I'll move further. There is no question asked. Aise hi diya hai. Primitive philosophy. Preemptive philosophy. Kuch bhi nahi hai ye. What is priority? Explain the internal and external priorities. Let's understand. What do you understand by priority? The basic definition, anyone? When I look at the dictionary, what I'll find when I reach to the priority? Something that you plan on giving maximum importance. Mm-hmm. Or something you give with the maximum importance. Okay. Or what else? Or kya sunai deta hai when I say priority? Anyone else? Yes, something called preference, right? So maybe being a like one of the student is doing design, for her the designing is the first priority than the other subjects, and for some students mathematics is the first priority than the other subjects. So that's called priority, right? We usually give the priority. Offices mein to pura priority pe hi kaam hota hai, right? List of the works to do. When I make it in my diary, then my next job is to give the priority. So I used to write numbers. Ki one. To one number wale kitne kaam hai? Ye teen kaam one number wale hai. Matlab first priority mein karna hai. To usme se koi ek ko main complete karunga. And then second and then third, right? Similarly, second number ki priority kaun hai? Third number ki priority. Sabse lowest priority aisi ki agar main free raha to karunga, nahi to kal karunga. That also I'll put it. That's called priority. So here dekhte hai kya likha hai internal and external. The concept of arranging the ready processes in the queue so that they can dispatched
one after another for execution depending on the sum policy is known as priority. Everyone, the concept of arranging ready processes in a queue. Queue matlab I hope railway ka queue jaisa, so that they can be dispatched one after the another for execution depending on some policy is known as a priority. Okay. So two number, due to many processes competing for the same available resources like CPU and the memory, the concept of priority is used, right? आपके घर पे भी ऐसा होता होगा. If you have a limited devices, you give a priority, right? And it is very well possible. जैसे मेरे घर पे sometimes ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, ईयरफोन मेरे बच्चे के पास, तो ही टेक माय यू नो ईयरफोन, बट देन आई गिव हिम एन इंस्ट्रक्शन, भाई आई हैव अ लेक्चर एट दिस टाइम, रेस्ट ऑफ द टाइम आप करो, बट देन आई हैव अ प्रायोरिटी. इसे हाँ ठीक है पापा, आई गिव यू एट द टाइम, बट तब तक उसको चाहिए वो रिसोर्स, बिकॉज रिसोर्स कॉमन है, शायद उसका ईयरफोन में जो भी गड़बड़ है या वॉट एवर. सो दैट्स कॉल्ड वन रिसोर्स यू हैव, मैनी people are using or many tasks are used that process, so then priority comes into the picture, right? So priority can be external or internal. What is external? The external priority is specified by the user externally, generally at the time of initiating the process. जब भी हम process start करते हैं उस time पे हम दे देते हैं. In many cases, operating system allow the user to change its priority externally even during the execution. मैं priority change कर सकता हूँ. If the user does not specify any external priority at all, operating system assumes the certain priority called default priority. But when the urgent job needs to be done, the system manager permits the प्रोसेस टू बी क्रिएटेड विद द हायर प्रायोरिटी. ये सब आपके फैक्ट्री में, वर्कशॉप्स में बहुत होता है. ऑलरेडी एक प्रोडक्ट चल रहा है, उस प्रोडक्ट का प्रोसेस चल रहा है, डिस्पैच होने वाला है. इन बिटवीन मैनेजर को एक ऑर्डर ऐसा मिला, कंडीशनल ऑर्डर, कि उसको दो दिन में डिस्पैच करने का, तो आज रात को प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ही वो दो दिन में हो सकता है. तो मैनेजर कम्स टू द शॉप फ्लोर एंड चेक क्या चल रहा है अभी, और वो लोग बोल रहे हैं कि इसका डिस्पैच एंड डिलीवरी है, तो कभी है 4 दिन के बाद उसको रोक सकते हैं क्या, कि मटेरियल ऑलरेडी पावर कर दिया है, मटेरियल कर दिया है तो कुछ नहीं कर सकते, या मे बी एक लेवल पे कंप्लीट करके उसको होल्ड कर सकते हैं कि नहीं. दैट ऑल फैक्टर्स दे आर डिसाइडिंग एंड देन दे टेक द ऑर्डर, कि ठीक है हम लोग दो दिन में कर सकते हैं, इस ऑर्डर को थोड़ा साइड करते हैं और ये ऑर्डर को पहले कंप्लीट करते हैं, हायर प्रायोरिटी. क्योंकि मशीन फ्री था तो 7 दिन के बाद जो डिलीवरी देनी थी वो हम लोग कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक ऑर्डर मिला 2 दिन में देना है, ऑर्डर मिलने से बेनिफिट है कंपनी को, तो मैनेजर ने ग्रैब किया. दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल. एंड वो व्हाट इज द अनदर इंपॉर्टेंट, कि हम लोग ने कोई प्रायोरिटी नहीं दिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी दे देगा. Okay. Now, do you know when I download a document or download multiple things together, usme bhi priority comes. And operating system by default decides kya karna hai. And you know ki ek complete ho gaya to baki ka time बाकी दोनों फाइल को मिल जाएगा डाउनलोडिंग में, कि वो और फास्ट हो जाएगा, राइट? सो हियर व्हाट इज इंटरनल प्रायोरिटी और लोकल प्रायोरिटी, लेट्स सी. द लोकल प्रायोरिटी और इंटरनल प्रायोरिटी इज यूज्ड बाय स्केड्यूलिंग द एल्गोरिथम्स. दे बेस देयर कैलकुलेशन ऑन द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस, दैट इज ईच यूजर
while firing a process can be forced to specify the expected time that process is likely to take for the completion. The operating system can then set the internal priority ki chalo bhai itna time lagne wala hai, which is the highest for the shortest job. Okay, shortest job first algorithm chalate hain, so that only little extra cost to large job, many short job will complete. You know, सारे इनकम्प्लीट है एक लॉन्ग जॉब की वजह से. दैट्स नॉट गुड. मेरा टू डू लिस्ट में एक लॉन्ग काम की वजह से सारे के सारे पेंडिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे काम कर लेना चाहिए मुझे पहले. ऑनलाइन इलेक्ट्रिक बिल भरना है और एक प्रोफेसर को ऑनलाइन पेमेंट करना है, दैट इज अ स्मॉल टास्क. एंड टू मेक द पेपर फॉर द स्टूडेंट इज अ लॉन्ग जॉब. क्रिएटिविटी है, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है. लास्ट पेपर में क्या दिया था, ये पेपर में क्या दिया था, वो करने बैठा सारा का सारा अटक गया. तो आई मस्ट टेक द प्रायोरिटी. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम. सो देर आर टू एडवांटेजेस. इफ द शॉर्ट जॉब आर फिनिशेस फास्टर, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटिंग फॉर द सीपीयू आर डिक्रीज्ड. मतलब सीपीयू और फ्री हो जाएगा, देन पूरा का पूरा सीपीयू का टाइम किसको मिल जाएगा, लॉन्गर जॉब को. एट द सेम टाइम नंबर ऑफ सेटिस्फाइड यूजर्स विल आल्सो इंक्रीज. यू नो, मेरा प्रोफेसर भी हैप्पी हो गया कि सर ने टाइम पे कर दिया पेमेंट. ओके, मैं भी हैप्पी हो गया कि वो मेरा इलेक्ट्रिक बिल पे हो गया, वरना वो पेंडिंग रहता आज रात को, कल करना होता वापिस लॉन्ग जॉब के चक्कर में. यू नो, हाउएवर इफ द स्ट्रीम ऑफ द शॉर्ट जॉब कीप्स कमिंग ऑन, it's important that large job may suffer from indefinite postponement. ऐसा नहीं होना चाहिए कि short job करते रहे करते रहे करते रहे, long job side में हो गया. Right? तो highest external priority to important large jobs. Important. That's very important. Everyone. Anything you didn't understand, नीचे repeat हो रहा है. देखो. External internal अभी किया. नया क्या है? Purchased priority. Now this priority is used to some data centers situations where each user pay for the time used. Higher priority process are charged at the higher rate to prevent each user from the firing his job at the highest priority. This is known as a scheme of purchased priority. And the operating system keeps the track of the time used by the each process and the priority at the which one is used. Can anyone give an example of purchase the priority? When you go to Dadar and Hamara Ganpati Mandir Kaunsa? Temple. दादर में कौन सा टेंपल है वो? सिद्धिविनायक. हाँ, सिद्धिविनायक. आई मीन या सो फॉर सिद्धिविनायक बीइंग अ यू आर विजिटिंग राइट और एवरीवन इज विजिटिंग इज अ कॉल common priority. Now what is purchased priority at Siddhivinayak? Can someone tell me? So there is a one VIP entry available, if you know, which you have to purchase either in form of donations or in the form of celebrity, right? So let's say, you know, Sachin Tendulkar is visiting, Aishwarya Rai is visiting, Amitabh Bachchan is visiting. So they are got VIP pass, right? That's called purchased priority. Everyone. And VIP passes are available everywhere. They do some kind of the business for their betterment, right?
So everywhere you will find purchase priority in many of the place. You know, in when you go for the flight, flight may be purchased priority milta hai. And you have to book the tickets. Tickets to book kar diya. Lekin seat kaun allocate kar rahe hai? That is the air, I mean flight companies. And you can also book the seat from the websites by paying extra. Someone has a craze of sitting at the window seat, right, in the flight, and you have to pay extra 99 or 199 rupees for that seat. That's called purchase priority. Simple. Okay. All right. So it's called purchase priority. I got that. So now it's internal ho gaya. Time slice kya hai? Each process is normally given certain time to run the irrespective of its importance. This is called time slice. Each process is normally given certain time to run irrespective of its importance. This is known as the time slice. कुछ टाइम लगता है ना टू रन, चाहे वो वीआईपी है या नॉर्मल है, कुछ तो टाइम लगने वाला है और उसको ये लोग टाइम स्लाइस बोलते हैं. एंड द टाइम स्लाइस गिवन बाय द ईच प्रोसेस सो दैट द प्रोसेस डज नॉट यूज द सीपीयू इनडेफिनेटली, है ना. सो वीआईपी से एंट्री लिया, दर्शन किए, प्रसाद दिया एंड वॉट एवर give an exchange slokes वगैरह किया and then come out. That's called time slice. Multitasking नहीं पूछा है, आता भी है वैसे multitasking. अभी नीचे आया, what do you mean by multitasking with suitable example? Okay, so the last theory called explain the term multitasking with suitable example. सब लोग को आता है multitasking, लेकिन यहां पे थोड़ा करना पड़ेगा हम लोग को ये कि multitasking क्या है exactly. The task can be defined as an asynchronous code path within a process. In multitasking, a process can consist of a tasks which run simultaneously. Multitasking किसी को बोलते हैं, साथ में चल रहा है, right? That's called multitasking. So downloading a document, listening a music, downloading the movie, typing a document, reading is nothing but multitasking. So multiple tasks should be able to run concurrently within a process. Multitasking allows programmer flexibility and improves the CPU utilization. So it reduces overhead of switching at process level. For example, let's say task 0. Read a record, then process a record. Task 0 complete. Task 1, write a record. Task 1, complete. So, two tasks are defined within the same process. Ek process ke andar do task hai. But both are running concurrently. What do you mean by concurrently? Can anyone say? Concurrently ka meaning? Yes. Write it down in a together bracket. Together at the same time. Yeah, write it down in a bracket. Good. Simultaneously. Concurrently is a technical word. Amara English normal, hum log jo usually bolte, it's called simultaneously. They are running simultaneously, concurrently. Kabhi kabhi kisi ko fir wo ratta marna padta aisa word. So you can write in your own word. They run simultaneously within the same process if synchronized.
If the task 0 is blocked due to some reason X, Y, and Z, instead of blocking the entire process, the operating system will find it out the whether task 1 can be scheduled or not. Pura ka pura band kyun kar de? And when the both tasks are blocked, only then the entire process is blocked. Again, if the one task is ready, the process is ready to move. आपको ये प्रोसेस समझा क्या, पैरेलल कैसे चलता है? इट्स वेरी सिंपल. मेरे को इन अ किचन मेरे को ऐसा कुछ बनाना है विच विल टेक सम टाइम, यू नो. तो मैंने गैस ऑन किया, वॉट एवर उसमें पुटअप करना था कर दिया, एंड देन इट विल टेक टाइम टू बॉइल. थोड़ा टाइम लगने वाला है. सो आई एम देयर ऑन द किचन, but at the same time I want to do some other task, right? तो जो मुझे minimum time चाहिए था उसको boil करने के लिए वो चलने दो. At the same time मैं कुछ bread के ऊपर I am putting some butter and some salads and ऐसा कुछ ready कर रहा हूँ. फिर वो जो boil होके आएगा वो उसमें मुझे add करना है. So that's called एक के बाद एक मैं switch कर रहा हूँ, right? Within the one process. बन रहा है फाइनली एक मे बी इटालियन मैक्सिकन सैंडविच, मैक्सिकन सैंडविच. लेकिन उसमें मुझे दो चीज मिली, एक चीज प्रोसेस हो रही है. ओके तो मैं दोनों प्रोसेस साथ में कर रहा हूं. एंड वंस एक को मैंने ब्लॉक किया तो टाइम बचा तो मैं यहां प्रिपेयर कर रहा हूं, और जैसे ये हो जाएगा उधर चला जाऊंगा. बट दोनों को कुछ Someone came in the home and no one is at home, तो मुझे दोनों प्रोसेस को बंद करना होगा. That's called block. And courier main came and he is giving me a parcel. And I have to open the parcel and check whether the desired object is arrived or not. iPhone की जगह साबुन नहीं आया ना, I have to check. You know? तो it takes time, 5 मिनट. तो मेरा गैस पे सब गड़बड़ हो जाएगा. So I टर्न ऑफ बोथ द थिंग्स, सब कुछ बंद कर दिया. दैट्स कॉल्ड ब्लॉक कर दिया मैंने. फिर वापिस मैं उसको स्केड्यूल करूंगा. एवरीवन साइमल्टेनियसली करने के इस प्रोसेस को मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. मल्टी टास्किंग का एक लेवल आगे. मल्टी टास्किंग तो कुछ नहीं है, एक लेवल आगे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पे काम करते. लेकिन यहां पर उन्होंने मल्टी टास्किंग पे एक्सप्लेन किया है. Okay, read, process, complete, write and end. Okay, so here we will keep this at this level only. हमारा question start होगा 39 से, multi-user. यहां से start करेंगे. Okay, तो we will see you now. ये week में नहीं रखते हैं, but it is very well possible. मैं well in advance आप लोग को पूछ लूंगा. Okay. कभी रखना है. एंड ये संडे को, कमिंग संडे को टेस्ट है आप लोग का डेटा स्ट्रक्चर का. हो गया नहीं? हो गया, सॉरी सर. माइक्रो प्रोसेसर का बोला था ये संडे को. नहीं सर, ट्यूसडे को. आज? अरे कल नहीं, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे. नेक्स्ट ट्यूसडे, ओके आई गॉट दैट. ठीक है. और मुझे आपको पेपर चेक करके देना है, मेरा भी मुझे याद आया. So, मैं उसको अलाइन करता हूँ और आई विल इन्फॉर्म यू पीपल. स्कोर बताता हूँ एट द सेम टाइम आप लोग को. स्कोर मैं अभी नहीं बता पाऊंगा बिकॉज नहीं है मेरे पास, नोट्स तो है, ई बुक है, मैं कर सकता हूँ, आई विल डू दैट. एंड ये वीक में ऑफिशियली हमारा फ्राइडे लेक्चर होता है, वो मैं नहीं रखता हूँ जस्ट टू अवॉइड. मैं ट्रांजिशन स्टेज करूंगा तो फिर लास्ट मोमेंट में कैंसिल करूँ, उससे अच्छा प्लान कैंसिल करूँ. एंड देन इफ एवरीथिंग गेट सेटल्ड तो मैं आपको वीकेंड में एक वर्कआउट करता हूं बाय आस्किंग टू यू वेदर यू पीपल आर फ्री और नॉट. सबको अलाइन करके ही करूंगा, डायरेक्टली नहीं करूंगा. सो एक 1 आवर, 1.5 आवर का भी पॉसिबल है. तो आई नो दैट यू पीपल कैन कम बाय 11 to 12 में, तो मैं वर्कआउट करूंगा. 12 to 1 नहीं करूंगा, करूंगा तो 11 to 12, वो भी आप लोग को पूछ के. ओके और एल्स अगले वीक में वापिस हम लोग वेनसडे मॉर्निंग में मिलेंगे. और हमारा रेगुलर टाइमिंग वही 10:30 रहेगा. आज मुझे 10:30 एक अलाइनमेंट था, इसके लिए मैंने बोला कैंसिल क्यों करे. पहले मैं टाइप भी किया आपको कि भी 1245, अरे 1145 से रखे, बोला वो लेट हो जाएगा, मॉर्निंग का चांस लेते हैं.
And I would like to thank each one of you that who responded immediately. And I have a concern I would like to frankly share with that. How you people are online at that time? Can someone share, please?